17 अप्रैल को सलेमपुर गांव में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया था जब किसान नेता मास्टर नकली सिंह सैनी की बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद गंगनहर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इस हत्याकांड के मामले में 4 मई को हत्या में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। वहीं आज हत्या में मुख्य आरोपी ठाट सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते ठाट सिंह ने नकली सिंह को गोली मारी थी, क्योंकि नकली सिंह ने उसे झूठे मामले में फंसवा कर जेल भिजवाया था। अब तक इस हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं अभी 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से नसीम मलिक की रिपोर्ट। विवाद था गाँव में, 2010 में मेरे बाप को इन्होंने बुरी तरीके से पीटा था, जिसमें मेरा बाप 1.5 साल बाद मर गया था, और उसके बाद मेरे चाचा इनके परिवार के जिसके साथ झगड़ा था उसको गोली मार दी थी। जबकि उसने पहले ने गोली मारी, सबको पता था। इन लोगों ने हम 5 भाइयों को निर्दोष फंसा दिया उसी केस में, एक गोली मारी थी सिर्फ, और उसमें हम उम्र कैद कराई। गिरफ्तार हुए थे तो पिछले माह 18 तारीख की घटना थी, जिसमें शाम को नकली सैनिक को गोली मार के हत्या कर दी थी। मेन मुलजिम इसमें ठाट सिंह था, वो कल पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको, और आज उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया।